रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्डिंग चालू। अब मेरे को दोबारा बोलना पड़ेगा यार, रिकॉर्डिंग अब चालू करें। चल बोल देता हूं ना, सुनो। देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी, दोबारा समझ लो, चलो किस्मत है। लीनियर चार्ज डेंसिटी इसका मतलब हो गया, अगर चार्ज किसी लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है और एल लाइन में क्यू चार्ज है, तो एल लाइन में चार्ज क्यू वन में कितना हो गया, क्यू बाई एल। इसको बोलेंगे अपन लेमडा, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी में चार्ज पर यूनिट एरिया, ए एरिया में क्यू चार्ज, यूनिट एरिया में क्यू बाई ए। इसी तरह से चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको बोलेंगे अपन रो, क्यू बाई वी। यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, ये इनके यूनिट्स हो गए कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर स्क्वायर, और ये हो गया हमारा कहां गया वो कूलम पर मीटर। ठीक है, डायमेंशन लिखना चाहो तो वो भी लिख लो इनकी। इसकी डायमेंशन बताओ क्या होगी, कूलम का मतलब ए वन टी वन, ठीक है, तो एल माइनस वन टी वन ए वन, इसका हो जाएगा एल माइनस टू टी वन ए वन, इसका हो जाएगा एल माइनस थ्री टी वन ए वन। ये इनके डायमेंशंस हैं, छोटी सी बात है लेकिन याद होनी चाहिए। चार्ज डेंसिटी, हो गया भाई। चलो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तीन तरह की डेंसिटी हमारे पास है। जैसे मान लो क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा नन्ना सा क्वेश्चन कर लेते हैं। एक स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज चार्ज्ड विद 200 माइक्रोकूलम पर मिलीमीटर क्यूब, फाइंड चार्ज ऑन स्फीयर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर रेडियस का कोई स्फीयर था, उसको इस डेंसिटी से हमने चार्ज किया। ठीक है, देखो तो अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, क्योंकि पर मिलीमीटर क्यूब इसका मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हुई। कैसे पहचानेंगे, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो सरफेस, अकेले डिस्टेंस है तो लीनियर, और अगर मान लो वॉल्यूम है मिलीमीटर क्यूब है तो क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो तो ये होगी रो 200 माइक्रोकूलम पर एमएम क्यूब, तो 200 इंटू 10 पावर माइनस 6, 1 एमएम में होता है 10 पावर माइनस 3, माइनस 3 का क्यूब, तो ये कूलम पर मीटर क्यूब हो गया। सबसे पहले यूनिट जरूर चेंज चेक करनी पड़ेगी इसकी, तो ये हो गया हमारा 200, नहीं सही है ना, गलत तो नहीं लिखा मैंने। 1 एमएम इज इक्वल टू क्या होता है 10 पावर माइनस 3 मीटर, ये एमएम था इसको मीटर में चेंज करा है, ध्यान रखना। तो 200 माइक्रोकूलम को 10 पावर माइनस 6 और मिलीमीटर क्यूब का हो गया हमारा 10 पावर माइनस 3 का क्यूब, तो ये बन गया 200 इंटू, ये माइनस 9 आया, ऊपर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 9, माइनस का 9 ऊपर जाएगा तो हो गया प्लस का 3, और 200 पहले से ही है तो 100। ठीक है, कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है भाई, क्यू क्या होता है, हमने पढ़ा था रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रो वी, यानी कि 2000 इंटू वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर है अपना 10 इंटू 10 पावर माइनस 2 का क्यूब। सोल्व कर दो इसको,
हो गया 2 × 10⁵ इंटू 4π बाई 3 − 1 × 10⁻³। ठीक है, तो ये हो गया 8π/3 × 10⁻²। कूलम। चेक करो भाई, मैंने मिस्टेक तो नहीं की कैलकुलेशन में? किसमें? नहीं, 10 के बाद −1 हो गया नहीं, तो −3 कर देना, सही है। और ये 5 है तो माइनस, ये +2 हो जाएगा। ऐसे अमाउंट ऑफ चार्ज अपन निकाल सकते हैं। आ गया बेटा आंसर सबका? चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रोड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रोड। दो बातें हो सकती है यूनिफॉर्मली चार्ज रोड के लिए। उसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या जा सकता है, और उसकी को एक्सिस पर भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, मैग्नेटिक नहीं सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं मैग्नेटिक बोलो तो बुरा मत मानना है ना। देखो, ये कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रोड है, ठीक है। इंटीग्रेशन मुझे आशा है कि सबको आता होगा, नहीं आता होगा तब भी चलेगा, मैं सिखा देता हूं अभी आता आपकी। इसकी लेंथ है एल, ठीक है भाई, और इस पर जो टोटल चार्ज है वो क्यू है। लेंथ कितनी है इसकी? एल। लेंथ ऑफ रोड इज इक्वल टू एल, टोटल चार्ज इज क्यू, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यू बाई एल, ये आ गया भाई। ठीक है बच्चों, हमें इस रोड के एक पॉइंट से इस पॉइंट पर कहीं हमें फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। यहां से इसकी जो डिस्टेंस है मान लो आर है, आर डिस्टेंस पर हमें फाइंड करना है, ठीक है। यहां से फाइंड करना है तो यहां से एक्स पे जाकर के कोई एलिमेंट ले लो, इंटीग्रेशन में मैथमेटिक्स वाले सर ने सिखाया होगा, इंटीग्रेट करने के लिए हमें एलिमेंट लेना पड़ता है। मान लीजिए इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो डीएक्स है, डीएक्स लेंथ होगी तो निश्चित रूप से इसका चार्ज कितना होगा? डीक्यू। इस पर चार्ज कितना हो जाएगा? डीक्यू, ठीक है भाई। हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? dq by dx, ठीक है। तो dq is equal to क्या आ जाएगा यहां से? lambda dx, चार्ज हो गया भाई। अब मान लीजिए, सॉरी यहां से x नहीं है, इस पॉइंट पर निकालना है तो x यहां पे लेना पड़ेगा। ध्यान से देखो जरा, अब इस dq के कारण p पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू चार्ज डी क्यू। डी क्यू के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हम जानते हैं ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो ई की जगह लिख देंगे अपन डी इज इक्वल टू के, चार्ज कितना है डी क्यू और डिस्टेंस कितनी है एक्स स्क्वायर,
तो d इज इक्वल टू के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर, e इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज किया है मैंने, आप समझ सकते हो इसको, ठीक है। डी क्यू की जगह क्या लिखूंगा, लैम्डा डी एक्स, तो डी इज इक्वल टू के लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा क्या है, क्यू बाई एल, तो डी इज इक्वल टू क्या आ गया, के क्यू बाई एल डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। ये एक एलिमेंट के कारण आया, तो यहां से लेकर यहां तक टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां तक देखो, लिमिट आर से लेकर के आर प्लस एल तक, ठीक है, आर से आर प्लस एल क्यू क्यू बाई एल डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, जो कॉन्स्टेंट है उनको बाहर डाल दो, के क्यू बाई एल बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन आर से आर प्लस एल डी एक्स, ठीक है। डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तुम बताओगे बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर बोलो, तुम बोलोगे वही लिखूंगा, माइनस वन बाई एक्स, वेरी गुड, माइनस वन बाई एक्स। तो देखो इज इक्वल टू क्या आ गया, के क्यू बाई एल माइनस वन बाई एक्स, लिमिट होगी आर से आर प्लस एल तक, बस लिमिट रख दो, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया के क्यू बाई एल माइनस वन अपॉन एक्स प्लस एल, सॉरी आर प्लस एल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन बाई आर, तो E इज इक्वल टू के क्यू बाई एल वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन आर प्लस एल। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज रोड, नोट कर लो। चलो भाई दोबारा समझाओ बेटा, समझ आ गया, मैसेज करके बताओ जल्दी, दोबारा समझाओ क्या, नक्को चलो, ये रोड है एल लेंथ की, दोबारा समझ लो एक बार बेटा, ध्यान से देखो जरा, एल लेंथ की रोड है, इससे आर डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से लेकर के यहां तक एक्स पर हमने एक डी एक्स एलिमेंट ले लिया, इस पर चार्ज डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। पहले इस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे, और पूरी रोड का फाइंड करने, रोड कहां से कहां तक है, आर से लेकर के आर प्लस एल तक है, ठीक है। चल तो पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल लिया, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, डी क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, यहां पर अपन ने फॉर्मूला लगाया ये इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्योंकि डी क्यू से डिस्टेंस एक्स थी, तो अपने लिए के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर, करेक्ट भाई। अच्छा तो डी क्या आ गया, डी क्यू की जगह अपने लैम्डा डी एक्स ले लिया, ये वाला डी क्यू की जगह लैम्डा डी एक्स रख दिया, लैम्डा क्या है क्यू बाई एल, क्यू बाई एल रख देंगे, तो यहां आया डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, जो कॉन्स्टेंट है उनको इंटीग्रेशन से बाहर डाल दो के क्यू बाई एल को, और आर से लेकर आर प्लस एल तक इसको इंटीग्रेट करके लिमिट रख दो, तो आपका मैग्नेट वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो इसको तो बोलते हैं अपन एक्सियल पॉइंट, ठीक है। अगर को एक्सियल पॉइंट पर या इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रोड, ये फर्स्ट था हमारा, फर्स्ट में लिख लो एक्सिस पॉइंट, पॉइंट ऑन एक्सिस,
देखो तो हमारा जो फर्स्ट था पॉइंट ऑन एक्सिस, ये अपन ने फाइंड कर लिया। अब दूसरा करेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट और को एक्सिस पॉइंट। को एक्सिस पॉइंट, ठीक है, थोड़ा सा टफ है, ध्यान से देखना। इंटीग्रेशन समझने की कोशिश करोगे तो आ जाएगा। देखो भाई, ये कोई रोड है, इस पर हमने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां पर ये भी हो सकता था, ध्यान रखना कि चार्ज वेरिएबल है। अभी चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है, यहां पर ये वेरिएबल भी हो सकता है। एडवांस में चल जाएगा ये क्वेश्चन, तो वेरिएबल भी आ सकता है, वो भी सवाल करेंगे अपन, ठीक है। ये इसका इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया कोई। यहां पर हमें आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है भाई, ठीक है। एक एलिमेंट ले लो एक्स डिस्टेंस पर, ये डीएक्स डिस्टेंस है इसकी, इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, dq इज इक्वल टू लेमडा dx। अभी तो लीनियर चार्ज ही है, तो dq इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेमडा dx, ठीक है भाई। अब मान लो यहां से इधर देखो, ठीक, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये x है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉइंट पर अवे फ्रॉम दी चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, अवे फ्रॉम दी चार्ज, तो इसको बोलेंगे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड डीई। अब यहां प्रॉब्लम क्या हो रही है, समझने की बात क्या है कि एक डायरेक्शन में नहीं है। मान लो यहां से थीटा बना रहा है, तो मैं इसको अगर ऊपर बढ़ा दूं तो ये क्या आ जाएगा भाई, थीटा, ये थीटा आ जाएगा, तो इधर क्या बोलेंगे, डी कोस थीटा, इधर क्या बोलेंगे, डी साइन थीटा। और ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये जो डिस्टेंस है, ये क्या हो जाएगी भाई, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बड़ी सीधी सी बात है, ठीक है बेटा। ध्यान से देखो, समझो, ये रोड है, इसकी टोटल लेंथ एल है, टोटल लेंथ कितनी भाई, एल है, टोटल चार्ज क्यू है, तो लैम्डा क्या लिखेंगे, क्यू बाई एल, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक। अब यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये हुआ कि हम दोनों तरफ एलिमेंट ले लें, देखो ऐसे दोनों तरफ एलिमेंट ले लेते, ये भी डी और इधर वाला भी सिमेट्री से लेते अपन, तो ये होता डी, ये थीटा, तो ऊपर की तरफ आता डी कोस थीटा, डी कोस थीटा, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। साइन थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, कोस थीटा वाला कंपोनेंट जुड़ जाएंगे, तो पूरा यहां से लेकर के यहां तक, मतलब बाहर के एंड पॉइंट से लेकर यहां तक आएंगे, तो सारे साइन एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे, कोस एलिमेंट एड हो जाएंगे, तो हम कहेंगे कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इंटीग्रेशन डी कोस अल्फा के बराबर या डी कोस थीटा के बराबर होगा। ये तो हो गया हमारा बेसिक तरीका, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट वाली बात है। दूसरा तरीका है कि अपन डीई एक्स और डीई वाई निकालें, फिर उनको स्क्वायर करके एड करें, कहानी वही आएगी। पहले अपन इससे करते हैं, तो अपन ने देखा, ये मैं हटा देता हूं ताकि जगह ज्यादा चाहिए, बड़ा इंटीग्रेशन है। देखो तो अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, हमारे पास चार्ज कितना है डी क्यू, तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, डी ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देखो, ये तो हो गया चार्ज डी क्यू, ये डिस्टेंस है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गई, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर मतलब ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ओके भाई, ठीक है। तो यहां आ गया डी इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक बात। दूसरी बात मैंने बताई, क्योंकि सारे साइन कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, केवल कोस कंपोनेंट ऐड होंगे, तो कोस कंपोनेंट ऐड होंगे तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सॉरी
वो क्या होगा भाई, इंटीग्रेशन डीई कोस ऑफ थीटा, ये होना चाहिए ठीक है। डी की वैल्यू रखू कितनी है, के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है, इंटू कोस थीटा, इंटीग्रेशन के डी क्यू की जगह क्या लिखूंगा, लैम्डा डीएक्स, लैम्डा तो वो है डीएक्स इसकी लेंथ है, तो लैम्डा डीएक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है आर, हाइपोटेनस क्या है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डर थोड़ी रहे हो तुम, डर के आगे जीत है। चलो अब देखो क्या क्या है इसमें अंदर, बहुत सारी चीजें आ गई है लेकिन घबराने का नहीं, के लेमडा आर डीएक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ठीक। अच्छा भाई अब ये जो एक से कहां तक लाई कर रहा है, माइनस एल बाई टू से लेकर प्लस एल बाई टू तक, इसकी जो लिमिट क्या हो जाएगी, माइनस एल बाई टू से लेकर के प्लस एल बाई टू तक, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हमारा ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू, एल बाई टू क्या क्या है भाई, के लेमडा आर डीएक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 कॉन्स्टेंट है, उनको बाहर निकाल दो, के की जगह क्यू बाई एल लिख दो, तो क्यू बाई एल लिख दूंगा तो ये हो गया देखो के क्यू बाई एल माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू, अंदर क्या रहा मेरे पास, ये आर भी बाहर आ जाएगा एक, अंदर क्या रहा मेरे पास 1/r² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डीएक्स ठीक है। सारे मैथ्स के बच्चे हो इसका इंटीग्रेशन निकाल करके एक एक नेक्स्ट स्टेप लिख के बताओ मुझे, इसका इंटीग्रेशन निकालो और नेक्स्ट स्टेप लिख करके बताओ फटाफट कि 1/r² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा। क्या चीज, यहां से वापस बताऊं, वापस समझो बेटा, घबराओ मत बिल्कुल भी। देखो अभी मैंने ये बताया था, वापस डायग्राम पे चलो, मैंने बताया कि ये कोई DQ चार्ज है यहां पर, इस DQ चार्ज से इस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास DE। अब इस D के कंपोनेंट्स लेंगे तो DE cos थीटा DE sin थीटा, ऐसे इधर से एक कंपोनेंट लेता तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आता, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आता तो cos कंपोनेंट यहां आता, sin कंपोनेंट यहां आता, ये साइन कंपोनेंट इस साइन कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, डी कोस कंपोनेंट ऊपर की तरफ है तो एड हो जाएगा। यहां तक की कहानी समझ आ गई, इसका मतलब जो पूरी रोड उसको सारे सारे एलिमेंट्स से डिवाइड करेंगे तो सारे एलिमेंट्स के जो साइन कंपोनेंट है वो तो कैंसिल हो जाएंगे और कोस कंपोनेंट ऊपर की तरफ एड होते जाएंगे, तो रिजल्ट हमें आया कि ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी कोस ऑफ थीटा। चलो अब व्हाट इज डी, डी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द एलिमेंट ठीक है भाई, किसकी वैल्यू डाल दी मैंने यहां देखो, अब यहां बचा कोस थीटा, कोस थीटा देखो इसमें क्या होगा, ये थीटा है तो ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस, तो cos थीटा क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस ठीक है, बेस हो गया आर, हाइपोटेनस रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको रीअरेंज किया है मैंने तो k r लेमडा ठीक है, ये वन पावर है ये हाफ पावर है तो कितनी हो गई 3/2 पावर हो गई ठीक है भाई, तो यहां तक लिख दिया। अब लेमडा की जगह q बाई एल लिख दिया मैंने, तो के क्यू आर बाई एल ये तो कॉन्स्टेंट के बाहर ले लिए, अंदर बचाइए, मुझे आशा है अभी तक आप लोगों ने इसको इंटीग्रेट कर लिया होगा और मुझे वैल्यू बताएंगे, मैं लिमिट लिख देता हूं बाहर माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू।
देखो बेटा, दिख रहा है मेरे को, क्लियर दिख रहा है? इंटीग्रेशन बताओ इसका। आप लोगों को इंटीग्रेशन की थ्योरम याद है क्या? को अगर लिमिट माइनस ए से प्लस ए हो तो उसको टू टाइम कर देते हैं, जीरो टू टाइम्स करके, तो वो भी लिख सकते हो तुम, ऐसी कोई बात नहीं है। यहां अगर तुम टू कर दोगे तो ये हो जाएगा जीरो से एल बाई टू। थोड़ा सा इजी हो जाता है, और कुछ भी नहीं है। मैं करूं क्या? इसको ऊपर ले जाओ, x के रेस्पेक्ट में करना है, r कांस्टेंट है, सीधा सीधा हो जाएगा x पावर n dx वाले से, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है यहां पर। देखो ये डायग्राम हटा देता हूं मैं यहां से, बेटा ये सबको याद है ना, ये वाले जो थ्योरम लगाई मैंने, माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू, ऊपर लिखूं क्या थ्योरम? ऐसा होता है देखो, माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये थ्योरम होती है इंटीग्रेशन में। इसका इंटीग्रेशन हो गया, देखो यहां पर इसको ऊपर ले गए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, तो माइनस थ्री बाई टू हो गया, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है, एस की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो कितना हो गया, एयर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस थ्री बाई टू प्लस वन अपॉन माइनस थ्री बाई टू प्लस वन, ठीक है। अब किसका करेंगे अपन, एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टू एक्स, आर स्क्वायर तो जीरो हो गया ना, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया आपकी, क्योंकि इसको भी अपन ने टी माना था वहां पर, तो ये क्या आ जाएगा इसका, 2x हो जाएगा। किसने लिखा क्या, किसी ने भी इंटीग्रेशन नहीं लिखा? अरे इंटीग्रेशन आता है कि नहीं आता? नहीं आता ना, यहां तक का इंटीग्रेशन पढ़ाया नहीं पढ़ाया तुम लोगों को? प्रशांत सर पढ़ा रहे हैं या वो पढ़ा रहे हैं, क्या नाम है उनका, यशवंत सर, इंटीग्रेशन वाले सर? नो आइडिया, नहीं है तो फिर सीखो भाई। देखो ऐसे केसेस में क्या करते हैं अपन, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी ले लो, ठीक है, तो ये तो हो गया जीरो, टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, ठीक है, तो टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई एक्स, ऐसे करके करते हैं इसको, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन रख दो और फिर लिमिट रख दो एक्स की जगह जीरो से लेकर के एल बाई टू तक आंसर। और अगर ऐसे नहीं आए तो एक और तरीका है, इसकी एक्स की जगह आर टेन थीटा लिख दो, एक तरीका तो सीधा सीधा हो गया, दूसरा तरीका हो गया एक्स की जगह लिख दो आर टेन थीटा, आर टेन थीटा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो उसका सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा नीचे, क्योंकि थ्री बाई टू है, थ्री बाई टू है तो सेक क्यूब थीटा आएगा, उधर वाला कोस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो वैसे भी कर सकते हो, ये एक तरीका है, दूसरा तरीका भी है इसका, लेकिन दोनों ही तरीके के लिए इंटीग्रेशन तो चाहिए। हाँ कुछ भी कर लो तुम, लेकिन अभी तक तो हो जाना चाहिए यार इंटीग्रेशन, तुम्हारे क्लास में लेक्चर नहीं डल रहे क्या? चलो
हो जाएगा। हटाओ नहीं, देखो दूसरा तरीका इसका जो मैंने बताया था अभी आपको, वही ये dx है, ये d हो गया, ठीक है। तो ये निकाला था अपन ने e इज इक्वल टू इंटीग्रेशन d cos ऑफ थीटा, d क्या आया था k dq बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यही था ना। और cos थीटा की वैल्यू मात्र को यहां पर cos थीटा रहने दो, ठीक है। dq की जगह लिख दो लैम्डा dx डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर cos ऑफ थीटा, ठीक है। यही था ना, चेक कर लेना एक बार, चेक कर लो बेटा, ये लिखा ना मैंने k लैम्डा dx, d की वैल्यू यही थी, r स्क्वायर x स्क्वायर cos थीटा, ऐसे कैसे रहने दो इसको, सुनो ध्यान से। तो इसका दूसरा तरीका हो जाएगा हमारा क्या होगा, देखो x को लिख देंगे अपन tan थीटा, r tan थीटा, तो e इज इक्वल टू इंटीग्रेशन k लैम्डा dx डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ऐसा, ये लैम्डा dx, तो ये बोला हो जाएगा dx इज इक्वल टू आर sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो यहां लिख देंगे अपन dx की जगह r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, इंटीग्रेशन k लैम्डा r sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय, यहां देखो r स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos थीटा भी नहीं है, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा गए, एक आर से एक आर कट गया, तो e इज इक्वल टू k लैम्डा बाय r और d थीटा cos थीटा d थीटा, ठीक है। और थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस थीटा टू से थीटा वन तक, तो k लैम्डा बाय r ये हो जाए, कोस का क्या होता है साइन थीटा होता है, साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ये आया हमारे पास x कंपोनेंट। इसी तरह से y कंपोनेंट लेंगे और फिर दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो दोनों वही चीजें आएगी, ये चीजें सीख रखी हैं, सीख रखी तुम लोगों ने। बच्चों अगर इंटीग्रेशन नहीं आते तो इस चैप्टर में आगे 3-4 टॉपिक समझ में नहीं आएंगे, मेरी गारंटी नहीं। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है ये, एंगल्स के बीच में इसको इंटीग्रेट मार देते, इसी तरह से वाई कंपोनेंट होगा तो यहां कहा जाएगा डी साइन थीटा, तो जो cos थीटा का इंटीग्रेशन किया है इसकी जगह अपन यहां पर sin थीटा का इंटीग्रेशन कर दें, तो यहां मेरे ख्याल से आएगा ey इज इक्वल टू k लैम्डा बाय r cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करोगे आप,
अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। बेटा बोलो रे, शर्माने की जरूरत नहीं है, मेरे को चैट में लिख के बताओ इंटीग्रेशन आते कि नहीं आते, मैं बता दूंगा भले, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं हाँ, फिर ठीक है, आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो फिर समझ आ गया होगा टॉपिक, फिजिक्स का काम मेरा यहाँ खत्म हो गया था। E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी कोस थीटा, यहां तक फिजिक्स थी, इसके बाद में फिर मैथमेटिक्स है। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग। अच्छा, इसमें एक बात और हो सकती है, आगे इसको अपन इन्फिनिटी ले लें, जैसे वायर था अपना, देखो इधर ये रोड थी, वायर कुछ भी ले लो, ये इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी वाले में अपन क्या करें, कुछ भी नहीं है, जो थीटा वन और थीटा टू है इनकी जगह 90 डिग्री लिख दो। अगर रोड फाइनाइट लेंथ नहीं है, इनफाइनाइट लेंथ है, तो जो अपने लिमिट लगाई यहां पर माइनस थीटा टू से थीटा वन तक, यहां पर 90 से 90 ले लो, ऐसे हो जाएगा ना। यहां पॉइंट है तो यहां कितना एंगल बनाएगा, ये 90 एंगल बना देगा, ध्यान रखना। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। देखो, ये को रिंग है यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब ये प्लस 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 लगा दो इसके ऊपर, पहला पॉइंट देखो, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेंटर पर देखो बेटा, एलिमेंट्स में डिवाइड करो, मान लो ये एक कोई एलिमेंट है, ठीक है, ये कोई दूसरा एलिमेंट है, ये क्या करेगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। ऐसे हर एलिमेंट का अपोजिट एलिमेंट होगा, क्योंकि सर्कल है, हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल और अपोजिट आएंगे, इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे, तो सेंटर पर क्या हो जाएगा, जीरो, पहला पॉइंट, ठीक है बेटा, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि पूरी रिंग को जब अपन छोटे 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 एलिमेंट से डिवाइड करेंगे, तो हर एक एलिमेंट के अपोजिट साइड में एक दूसरा एलिमेंट होगा जो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देगा। देखो, दूसरा पॉइंट, एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस, एक्सिस पर क्या होगा, देखो ये कोई पॉइंट है, मान लो यहां से एक्स डिस्टेंस पर है, इसकी रेडियस आर मान लो, ये कोई एलिमेंट है, ये इसका डी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी तरह से इधर वाला भी यहां पर डी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, ठीक है, क्योंकि सिमेट्री है इसलिए एंगल भी सेम होंगे, कंपोनेंट ले लो, अल्फा 90 माइनस अल्फा, अल्फा क्या हो जाएगा, ये
ये अल्फा है, ठीक है, ये 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा तो ये भी 90 माइनस अल्फा, ठीक है, ये अल्फा और अल्फा हो जाएंगे ना, हाँ अल्फा अल्फा, ये भी क्या हो जाएगा अल्फा, ठीक है, तो इसके साइन कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, कोस कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, चलो तो एक डी क्या होगा, वही क्या लिखेंगे के डी क्यूब बाई आर स्क्वायर, तो ये होगी हमारी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको बोलेंगे अपन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी इज इक्वल टू के डी क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, सिंपल। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है हमारा किधर आ रहा है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी कोस अल्फा, ठीक है भाई, रखो जरा व्हाट इज डी, डी की वैल्यू रखो के डी क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कोस अल्फा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस एक्स अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, डी क्यू की जगह क्या लिखेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स, ठीक है, और dx क्या है एक एलिमेंट, तो यहां आ जाएगा मेरे पास के लैम्डा डी एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, dx की जगह मैं ऐसा करता हूं l ले लेता हूं क्योंकि एक्स अपन ने इधर ले रखा है, लैम्डा डीएल कर देता हूं इसको, एक्स, ठीक है भाई, इंटीग्रेशन क्या क्या बाहर आ रहा है, क्या क्या बाहर आ रहा है, लैम्डा बाहर आ रहा है, के बाहर आ रहा है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बाहर आ रहा है, एक एक्स अंदर है, इंटीग्रेशन देखो ध्यान से, डीएल, डीएल क्या हो जाएगा 2πL, डीएल की जगह 2πL लिख सकता हूं ना, देखो तो इज इक्वल टू के लैम्डा बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 एक्स, और ये हो जाएगा मेरा 2πR, ठीक है भाई, लैम्डा क्या होगा यहां पर, एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये किसी बच्चे का नहीं आ रहा, अब देखो अगर इस पॉइंट को अपन यहां से यहां ले आए तो एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो सेंटर पर ई इक्वल टू जीरो आ गया, साफ दिख रहा है, ये तो इजी है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इधर टफ नहीं लगा बेटा, चलो इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर बाई टू फ्रॉम सेंटर ऑफ ए करंट, सॉरी सेंटर ऑफ अ कॉइल ऑफ रेडियस आर,
सीधा सीधा क्वेश्चन बना था इसके ऊपर, फटाफट निकालो जरा। एक सी जगह आर लिख दो इस फॉर्मूले में और सोल्व करके दो क्या आना चाहिए, आर बाई टू, एक्स की जगह आर बाई टू प्लेस कर दो, आज मीटिंग बंद नहीं हुई ना एक बार भी, 40 मिनट बंद हो जानी चाहिए थी। चलो बढ़िया है, डायरेक्ट ले गई, ये बोनस मिल गया आज अपन को। आंसर बोलो, आंसर बोलो बेटा, अब ये मुझसे सोल्व मत करवाओ यार ऐसे क्वेश्चन तो कम से कम। आंसर बोलो, फाइव आर स्क्वायर बाई फोर हो गया नीचे। के क्यू आर बाई टू इंटू, चलो पूरा करता हूं, के क्यू आर बाई टू डिवाइडेड बाई फाइव आर स्क्वायर बाई फोर, तो ऊपर जाएगा फोर की पावर थ्री बाई टू, 5r स्क्वायर की पावर 3 बाई टू, ये 4 की पावर 3 बाई टू का मतलब हो गया 8, और ये हो जाएगा 2, तो 4 के क्यू आर बाई 5 रूट 5 आर क्यूब या 4 के क्यू डिवाइडेड बाई 5 रूट 5 आर स्क्वायर। देखो ये क्या कुछ का आंसर आया, 4 के क्यू बाई 5 रूट 5, हाँ मजा आया, सही है सही है सही है सही है सही है, ठीक है। ठीक है, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये आर बाई टू पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इसमें दो पोजीशन और आती है, एक्स वेरी ग्रेटर देन आर और आर वेरी ग्रेटर देन एक्स, दो और कंडीशन आते हैं इसमें, पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, और दूसरा आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स, दोनों पोजिशन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। पहले केस में तो x से सॉरी, पहले केस में r को नेग्लेक्ट कर दो और दूसरे केस में x को नेग्लेक्ट कर दो, तो r को अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, देख e इज इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई टू, तो ये हो गया हमारे पास के क्यू एक्स बाई एक्स क्यूब देखो, या के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। इसका मतलब कॉइल बिहेव्स लाइक है, रिंग बिहेव्स लाइक है पॉइंट चार्ज। बिहेव्स लाइक पॉइंट चार्ज, और आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स में क्या करेंगे, एक्स को नेग्लिजिबल कर दो, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर की पावर 3 बाई टू। के क्यू एक्स बाय आर क्यू,
ठीक है, चलो आज इतना ही काफी है। मैं आज अभी आपको शीट भेजता हूँ जिसके प्रॉब्लम्स करना, और अगर ये तुम्हें डेरिवेशन नहीं आया हो तो बोल देना बेटा, दोबारा बता दूंगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक बार खुद करने की कोशिश करना, ठीक है? नहीं आए तो अपन दोबारा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। ओके चलो, बाय फॉर टुडे।